मैं पाल रहा हूँ, वो 8 महीना से नहीं तो मैं खुद पाल रहा हूँ, और अगर आना चाहती है तो उनके लिए दरवाजा खुला। वो बेवफाई निकल गया, हम बेवफाई तो नहीं है। जिस मुस्कान के साथ इस शख्स ने अपनी पत्नी की गुहार लगाई, उसने ना सिर्फ इसका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम छुपा है, बल्कि छुपी है 13 साल की वो मेहनत, जिसकी वजह से आज ये महिला एक सरकारी स्कूल में टीचर है, और छुपी है अपनी पत्नी के वापस आने की एक आस। स्क्रीन पर चल रहे इस शख्स का नाम चंदन कुमार है, जिसका दावा है कि इसके साथ वही हुआ जो ज्योति ने आलोक के साथ किया। इसका आरोप है कि पत्नी को इसने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और आने वाले समय में उसका और उसके बच्चों का जीवन सरल हो सके। लेकिन पत्नी सरिता का कुछ और ही इरादा था। सरिता ने ना सिर्फ पति चंदन का साथ छोड़ा, बल्कि अपने मासूम बच्चों की भी उंगली छोड़ दी और थाम लिया एक गैर मर्द का हाथ। ये पूरी कहानी बिहार के समस्तीपुर की है। चंदन और सरिता दोनों ने 13 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की। शादी के बाद सरिता के पढ़ने की इच्छा के कारण पति चंदन ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया। चंदन ने अपनी पत्नी को सफल बनाने के लिए मजदूरी की, यहाँ तक कि उसने कर्ज भी लिया और पढ़ाई पूरी होने के बाद GLED सहित कई आवश्यक ट्रेनिंग भी करवाई। लेकिन जैसे ही सरिता को सरकारी टीचर की नौकरी मिलती है, वैसे ही वो चंदन की सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। साल 2022 में सरिता का समस्तीपुर के पटोरी के एक सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में चयन हुआ, और पति चंदन के अनुसार जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ, वैसे ही उसका प्रेम उसी स्कूल के हेडमास्टर के साथ चल पड़ा। हम भी रूम पे जाते थे, वो मुझे रहने नहीं देती थी। उसके बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में फंसी हुई है। शुरुआत में चंदन उसको बाइक पर छोड़ने जाता था, लेकिन फिर हेडमास्टर ने अपने घर के पास उसको एक कमरा दिलवा दिया, जिस पर पति चंदन का कहना है कि दोनों वहाँ पर साथ रहते थे। चंदन का ये भी कहना है कि हेडमास्टर राहुल कुमार की नज़र पहले दिन से उसकी बीवी पर थी, और हेडमास्टर यही नहीं रुकता, वो चंदन से छुटकारा पाने के लिए उसको मारने की धमकी तक दे डालता है। राहुल राम द्वारा जब मैं कार्रवाई किया तो घर पे आके 1 तारीख को जान से गोली मार के मार देने की धमकी मिला गया, जो कि 1 तारीख के रात में मुझे जो है राहुल राम ने लगभग 7:45 बजे 3 आदमी से आए, जो कि एक बाइक पर थे, और 2 गाड़ी 2 नीचे उतरे और बोला जो भी आवेदन जहाँ दिया है वो कृपया उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को जान से मार दूंगा। शुरुआत में बच्चे सरिता के पास रहते हैं, लेकिन फिर सरिता ने अपने और हेडमास्टर के बीच बच्चे वाली समस्या को खत्म कर दिया और उन्हें पति के पास भेज दिया। आपको बता दें कि चंदन और सरिता की एक 12 साल की बेटी है और एक 7 साल का बेटा। अब पति चंदन का आरोप है कि सरिता पिछले साल दुर्गा पूजा से लापता है। चंदन ने दर दर ठोकरे खाकर अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पति ने पत्नी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन सरिता कहीं नहीं मिली। सरिता ने पिछले कई महीने से स्कूल में कदम तक नहीं रखा, जिस पर BEO का कहना है कि सरिता फरार नहीं है, बल्कि वो 2 महीने से छुट्टी का आवेदन देकर स्कूल नहीं आ रही, जिसके चलते उसका 2 महीने का वेतन काट लिया गया है। और वहीं इस केस से हेडमास्टर राहुल कुमार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि टीचर सरिता कुमारी इलाज करवाने का हवाला देकर और छुट्टी का आवेदन देकर बीते महीने से स्कूल नहीं आ रही,